वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आपको पता है कि इंटरनेशनल ब्रेक चल रही है और यहाँ पर क्लब फुटबॉल हो नहीं रही और बहुत ही ज़्यादा बोरियत चल रही है क्योंकि कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा। लेकिन बार्सिलोना फैंस के लिए कुछ अपडेट्स हैं। स्पेशली आपको पता है कि अभी रिसेंटली बार्सिलोना के काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए थे और अब कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो दोबारा वापस इंजरी से आ रहे हैं और अब इंटरनेशनल ब्रेक जब ख़त्म होगी तो उसके बाद वो प्लेयर्स जो हैं वो बार्सिलोना का स्क्वाड ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे। तो उसी के बारे में अपडेट दूंगा, जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या अपडेट्स हैं, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लामिन यमाल से। देखो, लामिन यमाल इंटरनेशनल ब्रेक पर स्पेन की तरफ से खेलने के लिए गए थे। डेनमार्क के अगेंस्ट उन्होंने पूरा गेम खेला। 92nd मिनट के अंदर उनको कुछ डिस्कम्फर्ट फील हुआ था लेफ्ट लेग पे या लेफ्ट हैमस्ट्रिंग के ऊपर। लेकिन लकीली अच्छी बात ये रही है कि जब टेस्ट हुए हैं तो वहाँ पर ये चीज़ सामने आई है कि वो एक ओवरलोड था, कोई इंजरी उनको नहीं है और लामिन यमाल को स्पेनिश नेशनल टीम से रिलीज़ कर दिया गया और वो बार्सिलोना वापस आ गए। देखो, ये सारी न्यूज़ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं लक्ष्य भाई के चैनल के ऊपर भी बैठा था। बहुत सारे लोग जो है वो लामिन यमाल को, बार्सिलोना फैंस स्पेशली लामिन यमाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि पोजेसिव भी हैं और वरीड भी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लामिन यमाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के। तो इसलिए मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ कि स्पोर्ट के मुताबिक जो न्यूज़ आ रही है वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल कोई इंजरी जो है वो नज़र नहीं आई, एक ओवरलोड है और कुछ रेस्ट करेंगे वो तो उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। कहा ये जा रहा है कि शायद हो सकता है कि सेविया का गेम उनको एहतियातन जो है वो उनको मैच ना खिलाया जाए क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट दो गेम्स आने वाली हैं। सेविया के गेम के बाद हमने बायर्न के अगेंस्ट खेलना है, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना है, तो वहाँ पर आप किसी भी मेन प्लेयर को जो है वो मिस नहीं कर सकते। तो खैर, लकीली अच्छी खबर यही है कि लामिन यमाल को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और होपफुली वो आपकी आने वाली गेम्स के लिए जो है वो फिट रहेंगे और ही इज़ बैक और वो उनकी रिकवरी जो है वो अब चलेगी। उन्होंने खुद भी एक स्टेटमेंट दिया कि मतलब ही इज़ फीलिंग वेल और वो क्या उन्होंने कहा है कि इट्स टाइम टू रिकवर नाउ। उसके अलावा यार मैं आपको ओल्मो के बारे में अपडेट देता चलूँ कि स्पोर्ट्स ने उनके बारे में भी ये न्यूज़ दी है कि ओल्मो बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो है वो वापस आ रहे हैं और सेविया के अगेंस्ट जो है उनको कुछ मिनट्स भी मिलेंगे। 30 मिनट्स हो सकता है कि उनको दिए जाएँ सेकेंड हाफ में, मोस्ट प्रॉबली उनको आखिर 30 मिनट्स खिलाए जाएँ और इसी तरह उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उनका जो टाइम है वो ऑन पिच वो बढ़ता रहेगा और बायर्न के अगेंस्ट उनको मोस्ट प्रॉबली 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और क्लासिको क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होने लगी है तो क्लासिको के लिए हैंसी फ्लिक चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर फिट रहें और हो सकता है कि क्लासिको वो पूरा गेम जो है वो बार्सिलोना के लिए खेलें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा फर्मीन लोपेस की भी मैं आपको न्यूज़ देता चलूँ कि वो भी अब ऑलमोस्ट तकरीबन फिट होने को हैं और कहा यह जा रहा है कि अब जो अगेंस्ट सेविया की मैच आ रहा है तो उसमें हो सकता है कि उनको टीम में शामिल किया जाए, स्क्वाड का वो हिस्सा हो। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बार्सिलोना के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिडफील्डर्स जो काफ़ी टाइम से इंजर्ड थे वो अब वापस आ रहे हैं तो होपफुली वो दोनों फिट रहें और बार्सा की जो अगली इंपॉर्टेंट गेम्स हैं उसके लिए अवेलेबल रहें। और आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ देता चलूँ गावी के बारे में। आपको पता है गावी को लास्ट सीजन में बहुत ही सीवियर इंजरी हुई थी, तकरीबन 1 साल वो बाहर रहे हैं और अब ये न्यूज़ आ रही है कि गावी को जो है वो सेविया के अगेंस्ट जो है वो मैच के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है वो सोच समझ के गावी को उतारना चाह रही है, वो ज़्यादा रश नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ कही जा रही है कि हो सकता है कि सेविया के गेम में उनको ना उतारा जाए ग्राउंड में, लेकिन साथ साथ मैनेजमेंट को ये काफ़ी ज़्यादा अब कॉन्फिडेंस आ गया है जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की है कि गावी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे लग रहे हैं फिजिकली। और उसके बाद बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है वो गावी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर करने जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देने जा रही है। तो इसका मतलब है गावी एक अच्छी शेप में नज़र आ रहे हैं और बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा रश नहीं करना चाह रही, उनको
ताकि वो इंजरी, आपको पता है कि गावी जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल खेलते हैं, बहुत ज़्यादा जान मार कर खेलते हैं, तो इस वजह से जो है वो मैनेजमेंट थोड़ा सा उनको देखभाल कर उतारेगी, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अब आप देखिए कि यार गावी हो गए, ओल्मो हो गए, उसके बाद फर्मीन लूपस, फ्रेंकी डियोंग अभी रिसेंटली वापस आए हैं, और फ्रेंकी डियोंग के बारे में भी मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि उनके बारे में यही बात कही जा रही है कि अब फ्रेंकी अब जब वापस आएंगे तो सविया के अगेंस्ट जब हमारा पहला मैच होगा तो हो सकता है कि वो गेम स्टार्ट भी करें और वो पूरे 90 मिनट्स जो है बार्सिलोना के लिए खेलें। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि बार्सिलोना की सारी मिडफील्ड वापस आ रही है, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम जो है वो हैंसी फ्लिक ने गुजारा है इन 4-5 प्लेयर्स के बगैर, और बहुत थिन स्क्वाड है हमारा, और उनके बगैर आपने बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो आ रही है। शेजनी के बारे में अपडेट देता चलूँ कि हैंसी फ्लिक जल्द अज जल्द, जैसे ही फिजिकली वो शेप में आते हैं, तो इनाकी पीनिया की जगह पर वो शेजनी को जो है जल्द से जल्द स्टिक्स के दरमियान देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनाकी पीनिया के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो उस कैलिबर के कीपर नहीं है कि जहाँ पर वो बड़ी गेम्स खेल सकें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेजनी के बारे में वो ये भी आ रही है कि अगर शेजनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो बार्सिलोना उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी दे सकता है अगले सीजन में, और शेजनी बार्सिलोना में रुकने को रूल आउट नहीं करेंगे अगर उनको नया कॉन्ट्रैक्ट बार्सा की तरफ से अगले सीजन में दिया जाएगा। तो ये भी एक न्यूज़ है, और मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, क्योंकि आपके पास बैकअप कीपर बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेर स्टेगन वो फिट हो जाती हैं, और कहा ये जा रहा है कि अप्रैल मई का टाइम ऐसा होगा जहाँ पर टेर स्टेगन वापसी करेंगे, तब तक जो है वो शेजनी आपके लिए इंपॉर्टेंट कीपर रहेंगे, और अगर टेर स्टेगन वापस आते भी हैं आपके नंबर 1 कीपर, तो शेजनी अगर बैकअप के तौर पर भी रहेंगे बेंच के ऊपर, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन बार्सिलोना के लिए रहेगा। और यार उसके बाद अरोहो के बारे में मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि अरोहो भी उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उन्होंने भी ये बात कही है, स्टेटमेंट पास की है कि आई विल कम बैक लाइक अ बुल, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। अब बेसिकली अरोहो के बारे में ये बात कही जा रही है कि नवंबर के स्टार्ट में या मिड में वो वापस आ सकते हैं, फुली फिट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हैंसी फ्लिक उनको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हैं अपने लिए, तो वो उनको ज़्यादा रश नहीं करेंगे। नवंबर में एक और इंटरनेशनल ब्रेक आएगी, उस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो है वो हैंसी फ्लिक उनको उतारना चाहते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद पहला गेम होगा नेक्स्ट मंथ नवंबर में, वो होगा सेल्टा डी वीगो के अगेंस्ट, तो वहाँ पर अरोहो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। अब मीनवाइल हमें ये दुआ करनी चाहिए कि यार हमारी डिफेंस लाइन में जो है वो कोई इंजरी ना हो, क्योंकि आपका डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिन है, और आपके पास कोई ऑप्शंस बैकअप के तौर पे मौजूद नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनसन भी अवेलेबल नहीं है, और क्रिश्चियनसन की जो अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि क्रिश्चियनसन की फ़िलहाल कोई अपडेट इस तरह की नहीं है कि हम के बार्सिलोना की मैनेजमेंट जो है वो कोई एक टाइम फ्रेम दे सके, कोई डेट दे सके जहाँ पर कहा जाए कि क्रिश्चियनसन जो है वो दिसंबर में जनवरी में वापस आए, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स तो यही कह रहे थे कि दिसंबर या जनवरी तक क्रिश्चियनसन जो है वो इंजरी से वापस आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल बार्सा की मैनेजमेंट ने जो है वो फिलहाल कोई डेट देने से इनकार किया है, और वो कोई ऐसी डेट नहीं देना चाहते जहां पर प्लेयर्स का या क्रिश्चियनसन का अपना मोराल जो है वो डाउन हो, क्योंकि जो गिवन डेट होगी उस पर अगर वो नहीं आ सकेंगे तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी जो है ना वो एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी जो है थोड़ा डाउन होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफेंस जो है वो हमारी बहुत थिन है, और वो का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आई होप कि बार्सा को मज़ीद कोई इंजरी क्राइसिस ना हो, और बार्सिलोना जो है वो ये जो टाइम पीरियड बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुजारा है और बहुत अच्छा निकाला है, क्योंकि हमने 2 गेम्स हारी, एक एक चैम्पियंस लीग में और एक ला लीगा में, और अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो गेम्स आपकी आने वाली हैं, तो यहाँ पर हमें कोई इंजरी नहीं चाहिए। और उसके बाद आपको पता है कि अरोहो के वापस आने के बाद और बाकी जो 3-4 प्लेयर्स हमारे अब आने वाले हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, तो उनके आने से बार्सिलोना की स्क्वाड डेप्थ बढ़ेगी, और वहाँ पर हैंसी फ्लिक के पास जो है वो एक हेडिक था कि यार मेरे पास बहुत थिन स्क्वाड है, मैं इसको कैसे चलाऊँ, तो वो एक हेडिक उनकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ये थी अब तक की अपडेट्स बार्सिलोना के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना,